Good morning, kids. Welcome to English class. Today we will do chapter 1, keywords. Okay? This is chapter 1. The name of the chapter is 10 Little Teddy Bears. Keywords. Keywords means these are the important words we can say. So you should know the pronunciation and spelling of these words. So let us start one by one from here. First one is little, L-I-T-T-L-E, little. Again L-I-T-T-L-E, little. Little means small, छोटा. जो छोटा होता है ना, small होता है, उसको हम बोलते हैं little. Second is R-E-A-D, read. Again R-E-A-D, read. Read means पढ़ना. आप क्या करते हैं, stories read करते हैं ना, अपना chapter है read करते हैं ना, पढ़ते हैं ना उसको, that is read. Next one is hungry, H-U-N-G-R-Y, hungry. Again H-U-N-G-R-Y, hungry. Hungry means भूखा. हंग्री मीन्स भूखा. जब हमें भूख लगती है तो हम हंग्री हो जाते हैं ना, तो अपनी मम्मा को क्या बोलते हैं कि मम्मा गिव मी समथिंग टू ईट. हंग्री मीन्स भूखा. फोर्थ वन इज प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग. अगेन पी एल ए Y I N G, playing. Playing means खेलना. हम जो हैं playing, आप जो है वो playing करते हो ना, अपने brother sister के साथ में playing करते हो, अपने toys के साथ playing करते हो, that is playing. Playing means खेलना. Fifth word is honey, H O N E Y, honey. Again H O N E Y, honey. Honey means शहद. Honey जो होता है उसका taste कैसा होता है, sweet होता है ना, मीठा होता है. और honey हमें किससे मिलता है, honey bees से. Honey किससे मिलता है हमें, honey bees से. So this is honey. Sixth word is water, W A T E R, water. Again W A T E R, water. Water means पानी. Water means पानी. जब हम thirsty होते हैं है ना, हमें बहुत प्यास लग रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं अपनी मम्मा को, मम्मा give me a glass of water, मुझे जो है एक glass पानी दे दो, बोलते हैं अपनी मम्मा को. तो हम जब बहुत thirsty होते हैं तो हमें water required होता है. Next word is sum, S O M E, sum. Again S O M E, sum. Sum means कुछ. Sum means कुछ. जब भी हमारी मम्मा मार्केट जाती है कहीं से हमारे लिए eatables लेके आती है, chocolates लाती है, suppose आपकी मम्मा, तो आप अपनी मम्मा को बोलते हैं ना, give me some chocolate mama, give me some candy mama, बोलते हैं ना आप मम्मा को. तो sum means कुछ, few. Okay. Eighth word is turtle, T U R T L E, turtle. Again T U R T L E, turtle. Turtle means कछुआ. Turtle means कछुआ. Ninth word is glue, G L U E, glue. Again G L U E, glue. जब आपका कोई भी पेज जो है टियर हो जाता है ना, तो आपकी मम्मा जो है उसको पेस्ट करती हैं, क्या यूज करके, ग्लू यूज करके. ग्लू मीन्स पेस्टिंग मटेरियल. टेंथ वर्ड इज टेडी बियर, टी ई डबल डी वाई, टेडी बी ई ए आर, बियर. टेडी बियर. Let us pronounce once again, T
ई डबल डी वाई टेडी बी ई ए आर बियर। टेडी बियर जो है हमें पोम में क्या बताया गया कि वो सॉफ्ट टॉय है। सॉफ्ट टॉय से हम खेलते हैं ना अपने घर में, उसको डेकोरेट करने के लिए भी रखते हैं, प्लेइंग भी करते हैं, तो वो सॉफ्ट टॉय जो है वो कौन सा सॉफ्ट टॉय है? टेडी बियर। सो स्टूडेंट्स आई होप यू नो नाउ हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। सो लेट अस प्रोनाउंस दीज वर्ड्स वंस अगेन। सो फर्स्ट वर्ड इज लिटिल, अगेन लिटिल। सेकेंड रीड, रीड। थर्ड हंग्री, हंग्री। फोर्थ प्लेइंग, प्लेइंग। फिफ्थ हनी, फिफ्थ हनी। सिक्स्थ वाटर, सिक्स्थ वाटर। सेवन सम, सेवन सम। एट्थ वर्ड इज टर्टल, एट्थ वर्ड इज टर्टल। नाइन्थ वर्ड इज ग्लू, ग्लू। टेंथ वर्ड इज टेडी बियर, अगेन टेडी बियर। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड ऑल्सो द प्रोनंसिएशन, ओके। एंड यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश फेयर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग, ओके। बाय डियर स्टूडेंट्स।